नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मोदी जी और अमित शाह जी को कहता हूँ, आपने झगड़ा चलाई है इस देश में। हम तो तिरंगा के पक्षक है, ये तिरंगा जो हमारे सामने है। अरे हम क्या चाहते, अरे हम चाहते अरंगे, अरे अम्बेडकरवादी, अरे महिलावादी। डंडा भी चलाना पड़ा तो डंडा भी चलाएंगे, मर्दों को डंडा चलाएंगे। तो सरकार ने सिखा दिया, बैठे रहेंगे, रोटी मत मिलो तो तुम्हें बड़ी मासूमियत से कहता वो ये ले ले पापा, इतनी सारी चीजें सही हो जाएंगी हमारी, वो तीन चीज वापस ले ले, हम लोग घर चले जाएं। नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर पॉपुलेशन के खिलाफ बीते एक महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन की वजह से दिल्ली से नोएडा जाने वाला रास्ता जाम है और इसी समस्या पर दिल्ली हाई कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो अदालत ने प्रशासन को कानून के मुताबिक काम करने को कहा है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह बड़ी पिक्चर देखे और आम लोगों के हित में काम करें। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में शाहीन बाग पर जारी धरने को खत्म करने की बात साफ तौर पर नहीं की है। अदालत में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि वह इस मामले में पक्षकार नहीं है और दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट केंद्र पुलिस को इसमें एक्शन लेने को कह दिया है। अदालत की ओर से ना तो प्रदर्शन खत्म करने का आदेश दिया गया है और ना ही सड़क को तुरंत खोलने का आदेश दिया गया है। नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले इस रास्ते से रोजाना करीब 2.5 लाख वाहन निकलते हैं, जिन्हें पिछले एक महीने से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब अदालत ने जब कानून व्यवस्था लागू करने के लिए गेंद दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाली है तो प्रशासन के बाद कुछ ही विकल्प बचते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग पर 15 दिसंबर से प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर हजारों की संख्या में महिलाएं, स्टूडेंट और अन्य प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए हैं। यहां बीते दिनों से कुछ नेता भी लगातार प्रदर्शनकारियों के पास जाकर वहां पर संबोधन कर रहे थे। यही कहना चाहते हैं, या तो शांतिपूर्वक इसको हटा दिया जाए। बाकी आप ये मूवमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर लोग परेशान हैं, उनके बच्चे, बोर्ड का एग्जाम है 10th और 12th का, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे पूरी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। जितने कम्यूटर्स हैं, सारे लेबर क्लास जो यहाँ पर इतनी पब्लिक रहती है, जो लेबर जाती है, जो ओखला जाती है, नोएडा जाती है, एक उनको घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे, सिंगल बंदे को भी वहां से नहीं निकलने दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।